हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई एम शिवम राउत इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉप्रिटियल फोसा के बारे में सो so, पॉपिटियल फोसा क्या होता है कैसे होता है वो अपने को देखना है पॉप्रिटियल फोसा जो है वो एक डायमंड शेप का डिप्रेशन है जो नी जॉइंट के पीछे लोकेटेड रहता है ये डायग्राम दिख रही है पॉप्रिटियल फोसा की है और ये जो शेप दिख रहा है ये डायमंड शेप का डिप्रेशन ये पॉप्रिटियल फोसा का है और ये डायमंड शेप का है तो ये इस तरह से डायमंड शेप का डिप्रेशन होता है नी जॉइंट के पीछे उसे कहते हैं पॉप्रिटियल फोसा ठीक है इसके अपर पार्ट में रहेगा लोअर पार्ट ऑफ फीमर और इसके लोअर पार्ट में रहेगा अपर पार्ट ऑफ टीबिया इसके ऊपर फीमर बोन है और नीचे टीबिया बोन है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बाउंड्रीज तो ये जो दिख रहा है पॉप्रिटियल फोसा हो गया यह है लेटरल पार्ट इसका और ये है इसका मीडियल पार्ट ठीक है ये ऊपर का सुपेरियर सरफेस और नीचे का इन्फेरियर सरफेस तो इसकी सुपेरो लेटरल बाउंड्री जो है यह सुपेरो लेटरल बाउंड्री ये बनाती है बाइसेप्स फीमोरिस मसल बाइसेप्स फीमोरिस मसल इसकी सुपेरो लेटरल बाउंड्री बनाती है इसकी सुपेरो मीडियल बाउंड्री बनेगी सेमी और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल से ये सेमी टेंडिनोसस मसल और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल इसकी सुपेरो मीडियल बाउंड्री बनाती है साथ ही इसमें रहेगा ग्रेसिलिस सार्टोरियस और एडक्टर मैग्नस ग्रेसिलिस सार्टोरियस और एडक्टर मैग्नस भी इसकी सुपेरो मीडियल बाउंड्री बनाने में मदद करते हैं ठीक है थीके? इसकी इन्फेरोलेटरल बाउंड्री जो है ये बनेगी लैटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीमियस और प्लान्टरिस से लैटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीमियस और प्लान्टरिस इसकी लैटरल बाउंड्री बनाते हैं ये लैटरल बाउंड्री बनेगी लैटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीम और प्लानरिस से वही इसकी इन्फेरोडियल बाउंड्री बनेगी मीडियल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीमियस मसल से मीडियल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीमियस मसल इसकी इन्फेरोडियल बाउंड्री बनाती है ये हो गई बाउंड्रीज की बात अब बात करते हैं रूफ ऑफ पॉप्रिटल फोसा की तो ये डायग्राम दिख रही है ये है रूफ ऑफ पॉप्रिटियल फोसा रूफ बनेगा डीप फेशिया से या उसी को पॉप्रिटियल फेशिया भी कहते हैं डीप फेशिया या पॉप्रिटियल फेशिया ये बनाता है रूफ और सुपरफिशियल फेशिया जो है उसमें प्रेजेंट कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और वो है स्मॉल सेफेनस वेन ये स्मॉल सेफेनस वेन है जो पॉप्रिटियल वेन में ड्रेन करती है तो स्मॉल वेन रहेगी साथ ही थ्री ब्रांचेस रहती है थ्री क्यूटेनियस नर्व रहती है वो है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व या उसी को कहते हैं सुरल कम्युनिकेटिंग नर्व इसमें थ्री ब्रांचेस थ्री ब्रांचेस मिलती है क्यूटेनियस नर्व की वो है पॉप्रिटियल डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ था पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ था और पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व या उसी को कहते हैं सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व ये बात हो गई रूफ की अब बात करते हैं इसका फ्लोर कैसे बनता है तो जो फ्लोर बनेगा ये डायग्राम हम डायग्राम में देखते हैं तो फ्लोर बनेगा पॉप्रिटियल सरफेस ऑफ फीमर से अभी जो डायग्राम दिख रही है ये डायमंड शेप है ये डायमंड शेप जो दिख रहा है ये हो गया पॉप्रिटल फोसा इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को इसमें हम देखो दिख रहा है पॉप्रिटियल सरफेस ऑफ फीमर ये ऊपर वाली फीमर बोन है उसका पॉप्लिटियल सरफेस रहेगा साथ ही कैप्स्यूल ऑफ नी जॉइंट कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट रहता है नेक्स्ट रहेगा पॉप्टिटियल फेशिया ये पॉप्रिटियल फेशिया जो है जो मस, मसल को कवर करने वाला फेशिया फेशिया और साथ ही रहेगा उसमें ऑब्लिक पॉप्रिटियल लिगामेंट तो ऐसे ये चार स्ट्रक्चर मिला के बनेगा फ्लोर ऑफ पॉप्रिटियल फेशिया पॉप्रिटियल फोसा सॉरी द कंटेंट्स ऑफ पॉप्रिटियल फोसा सो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हम समझेंगे इसके कंटेंट्स तो इसमें दिख रहा है अपने को सबसे पहले तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर पॉप्रिटियल आर्टरी होगी और उसकी ट्रिब्यूटरीज टीबीएल नर्व टीबीएल नर्व दिख रही है टीबियल नर्व एंड पॉप्रिटियल वेन और पॉप्रिटियल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज और टीबियल नर्व और उसकी कुछ ब्रांचेस भी होती है साथ ही कॉमन पेरोनियल नर्व ये जो दिख रहा है ये कॉमन पेरोनियल नर्व भी होगी अब ये जो डायग्राम दिख रहे जो मैं मार्क कर रहा हूँ कॉमन पेरोनियल नर्व ये डायग्राम देखो और साथ ही ये डायग्राम देखो तो जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो यहाँ से चलती है ये बाइसेप्स फ्यूमरिस मसल जो है उसके मीडियल बॉर्डर से चलेगी कॉमन पेरो पेरोनियल नर्व जो सुपेरियर एंगल है पॉपिटियल फोसा का ये पॉपिटियल फोसा जो है इसकी सुपेरियर एंगल से शुरू होती है और वो जाती है इसके लैटरल एंगल तक तो ये बात होगी कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में ठीक है अब साथ ही इसके साथ ही होगी कुछ पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाए एक पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होगी और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑपचूरेटर नर्व जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑप्चरेटर नर्व और पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी इसमें यही कई लोकेटेड रहती है ठीक है साथ ही इसमें कुछ लिम्फ नोट्स होगे और फैट रहेगा जो पूरे इन पूरे स्ट्रक्चर्स को ऊपर से सराउंड करेगा ठीक है और सपोर्ट भी देगा साथ में तो पॉपिटियल लिम्फ नोड्स भी रहेंगे और फैट भी रहेगा अब हम जो ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें हम देखते हैं ये ये जो है ये लेटरल पोर्शन है और ये इसका मीडियल पोर्शन है तो इसमें हम तीन पार्ट डिवाइड समझो तीन पार्ट मानते हैं ये अपर पार्ट ये मिडल पार्ट और ये लोअर पार्ट तो जो अपर पार्ट है अपर पार्ट में जो पॉप्रिटियल आर्टरी होगी वो मीडियल साइड में होगी उसके बाद आती है पॉप्रिटियल वेन और रहेगी टीबियल नर्व वही मिडल पार्ट में मिडल पार्ट में जो इन्फेरियर सरफेस है समझो अब ये हम पढ़ रहे पॉप्रिटियल फोसा तो ये जो दिख रहा है ये पीछे वाला पार्ट है ना अपने बॉडी का और आगे वाला पार्ट तो ये पीछे वाले पार्ट में हम बोलेंगे फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स होगा उसमें रहेगा टीबियल नर्व फिर आएगी वेन और फिर आएगी आर्टरी तो बिहाइंड फॉरवर्ड्स बोलेंगे सबसे ऊपर रहेगा नर्व फिर वेन और फिर आर्टरी वही लोअर पार्ट में होता है जो नर्व है वो आ जाती है मीडियल साइड में और आर्टरी चले जाती है लेटरल साइड में तो इसमें ये रही टीबियल नर्व सबसे लोअर पार्ट में फिर बीच में आती है पॉपलिटियल वेन और सबसे लेटरल पार्ट में चले जाएगी पॉपलिटियल आर्टरी पॉपिटियल आर्ट्री पेरोनियल नर्व जो होती है और ये जो टी नर्व होती है ये जो दोनों नर्व है ये सेम प्लेन में लाए करते हैं इन पॉप्रिटियल फोसा सो so, फ्रेंड्स इसी के साथ पॉप्रिटियल फोसा कंप्लीट होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू